ये लीजिए सर मेरा सीवी। हाँ तो मिस्टर प्रैश, वी डोंट हायर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सीवी। तो ये पहले बोलना चाहिए था ना सर, फोकट में 15 साल स्कूल कॉलेज में बर्बाद हो गए मेरे। ये एक पन्ने का सीवी बनाने के लिए न जाने लाखों करोड़ों पन्ने मुझे लिखने और पढ़ने पड़े मालूम। बाप का पैसा गया वो अलग, ट्यूशन में बचपन गया वो अलग, हिलाने में जवानी गई वो अलग। अरे किधर जा रहा है, मेरा मतलब वो नहीं था, पढ़ाई तो जरूरी होती है। अच्छा ये बताइए, व्हाई शुड वी हायर यू? क्योंकि आपको एम्प्लॉय की जरूरत है। अरे मेरा मतलब है हम आपको ही जॉब क्यों दे? क्योंकि मुझे नौकरी की जरूरत है। अरे तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है? मुझे क्या पता दूसरों के पास क्या नहीं है, मैं थोड़ी ना लोगों के बाथरूम में झांकता हूँ। और ये क्या फालतू सवाल है, किसने बिठाया इनको यहाँ पे? अरे तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। इसलिए तो आपको सीवी दिया था, आपने फाड़ के फेंक दिया। क्या पैदा होते ही सर पे गिर गया था क्या? अरे यार ये क्या आदमी है। सर सर मैं हैंडल करता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? 5 साल बाद। यस एंड गिव एन ऑनेस्ट आंसर। अच्छा सर, पहले साल तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि ये कंपनी में होता क्या है, फिर दूसरे साल कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज को अपना दोस्त बना लूंगा, फिर तीसरे साल उनके साथ मिलके सेम कंपनी का आइडिया देके उन्हें इस कंपनी से लेकर जाऊंगा, चौथे साल हमारी कंपनी आपसे बड़ी हो जाएगी, और 5 साल में आपकी कंपनी खरीद के बेच दूंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा। नाउ यू टेल मी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? ये क्या बदतमीजी है। अबे बुड्ढे साले, 15 साल पहले मेरे बाप का इंटरव्यू लिया था, तब से यही पे पिछवाड़ा टिका के बैठा है और वही समोसा चटनी दबा रहा है और वही घिसा पिटा सवाल पूछ रहा है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? शर्म आती तेरे को? शर्म, गेट आउट। ये समोसा चटनी बंद कर दे, पात पात के पूरा माहौल सड़ा दिया है। सिक्योरिटी, चिल्ला मत, जा रहा हूँ पादुचंद। अरे सर क्या हुआ आपको? अरे एम्बुलेंस को कॉल लगाओ। अरे जोशुए तू इधर। अरे प्रैश यार, पहले बोल देता तो साथ में आ जाते, रिक्शा का भाड़ा बच जाता मेरा। मैं तो अपनी गाड़ी से आया रे। अच्छा वो तेरी खटारा स्कूटर? नहीं मर्सिडीज। जैसे रील पे स्लो मोशन करके कोई शाहरुख खान नहीं बनता, वैसे लोगो चिपका के स्कूटर मर्सिडीज नहीं बन जाती। ये तूने जानबूझ के डाला ना। चल हट। अबे किधर जा रहा है? वो देख लाइन, उधर जाके बैठ, मेरा नंबर है अभी। तू समझा नहीं रे, मैं इंटरव्यू देने नहीं, लेने आया हूँ तेरी। मैं आई कमिन जोशुए, सॉरी सर। कमिन। एक बात बता जोशुए। जोशुआ नायडू नाम है मेरा, और आप सर बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जोशुआ सर, हम तो साथ में स्कूल गए, फिर आप अचानक टेबल के वो साइड कैसे पहुंच गए? बॉस की बेटी पटा ली? नहीं रे। पॉलिटिशियन की सेटिंग? अरे नहीं रे, मैंने ऑस्ट्रेलिया में MBA किया है। किसको उल्लू बना रहा है, पिछले 2 साल से गली में घूमता देखा मैंने तेरे को। अबे अपग्रेड से घर बैठे ऑस्ट्रेलिया के टॉप यूनिवर्सिटी से MBA किया है मैंने, तेरे जैसा पूरा साल किसी कॉलेज कैंटीन में पढ़ा नहीं रहा। कैसा किया? ये देख अपग्रेड ऐप, तू इस पे इंडिया में या इंडिया के बाहर के टॉप यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोई भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकता है। इस पे तुझे ग्लोबल टॉप 1% यूनिवर्सिटीज के MBA, डेटा साइंस आदि के डिग्रीज मिलेंगे। यहाँ सिर्फ नाम की नहीं काम की डिग्री मिलेगी। मैंने भी किया और आज टेबल के ये साइड आ गया। वाह चल, अभी तू मेरा दोस्त है ना। हाँ तो मेरे को भी वो साइड खींच लेना। तेरा MBA हो गया? हो तो गया लेकिन फेल हो गया। तो पहले अपग्रेड के किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से MBA करके आ, तभी जॉब दूंगा। साले तुझे याद रखूंगा, मैं MBA करके आऊंगा और तेरा बॉस बनके तेरे सर पे तबला बजाऊंगा। तगड़ दूम तगड़ दूम तगड़ दूम। हाँ तो मिस गीतांजलि जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है आपने? जी सर। आप पाइथन के बारे में कुछ बता सकती हो? जी बिल्कुल सर, पाइथन ज्यादातर घास के मैदानों में पाया जाता है। क्या? गर्म जगह पसंद है उसे, इसलिए वो अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अबे क्या नेशनल जियोग्राफी का इंटरव्यू चल रहा है इधर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता। अच्छा वो नहीं आता। अच्छा स्विफ्ट आती है क्या? जी आती है ना सर, स्विफ्ट आती है, अल्टो आती है, ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अबे ट्रैक्टर की बच्ची, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है क्या? अच्छा वो नहीं आती। ओके आपको एक्सेल आता है? हाउ डेयर यू। क्या हुआ आपको, मैं मोटी लगती हूँ? अबे कपड़ों का साइज नहीं पूछ रहा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है क्या तेरे को? अच्छा वो नहीं आता। तो क्या आता क्या है तेरे को? सर मैं चाय बना लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ, मसाज भी कर लेती हूँ, मम्मी ने मुझे झाड़ू लगाना भी सिखाया है सर। परफेक्ट, ऐसा ही कैंडिडेट तो ढूंढ रहे थे हम लोग, कल से ज्वाइन कर लेना एज ए इंटर्न। थैंक यू सर, थैंक यू। और पगार? अबे इंटर्न्स को पगार मिलने लगा तो दुनिया के सारे बिलियनियर गायब हो जाएंगे। चल निकल, नेक्स्ट। हाँ तो मिस्टर बेनामी यजमान जी सर, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपने लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या करते थे आप? सर मैं यूट्यूबर था। अरे वाह, क्या करते थे यूट्यूब पे? सर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिमेंडियसली हिलेरियस कंटेंट विथ माय ऑनेस्ट एंड फेशियली इंक्लूडेड क्रिटिक टेक्निक्स। वाह मतलब सर रिएक्शन चैनल था। अरे रे, फिर छोड़ क्यों दिया? किसी भड़वे यूट्यूबर ने स्ट्राइक मार दी। किसने? एक था कोई एंग्री प्रकाश, कुछ ऐसा ही नाम था, चेहरा छुपाता है साला, जिस दिन मिलेगा कुत्ते की मौत मारूंगा। सर आप जिम खोल लो, कहा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे? ये सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू है? ले। आपको नहीं पता था क्या यार, टाइम वेस्ट करवाते हो। हश, साले बॉडी देख के स्ट्राइक मारा कर, भरता बना देता वो अभी मेरा। हाँ तो मिस्टर प्राश जी सर, व्हाई डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस कंपनी?
सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड फ्रेंडली पर्सन। ये रटा हुआ मत बताओ, ऑनेस्ट आंसर देना। लगता है ये भी मरेगा हार्ट अटैक से। क्या सोच रहे हो, आंसर दो। वो भी ऑनेस्ट। अच्छा ऑनेस्ट। सर आपके इस थर्ड क्लास कंपनी का तो मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। ये तो नसीब आपका कि मैं हर जगह रिजेक्ट हो गया, इसलिए मैं आप पे तरस खा के यहाँ चला आया। वैसे भी मुझे दूसरा जॉब मिल गया तो आपके पिछवाड़े पे लात मार के निकल लूंगा। आपके जॉब एक्सपीरियंस लेटर से तो मैं अपने बच्चे की टट्टी साफ करूंगा, क्योंकि आपका लेटर देख के तो मुझे चाय वाला भी नौकरी नहीं देने वाला। क्या सिम कार्ड कंपनी बनाते हो ना? मैंने लिया था एक बार। आपकी कस्टमर सर्विस तो आपके ही कार्ड यूजर को कॉल करके पूछती है। सर आप हमारी कंपनी का कार्ड खरीदोगे? नेटवर्क तो आता नहीं है, अपने यूजर को कार्ड बेचे जा रहे हो। इतनी चूतिया तो कस्टमर सर्विस है आपकी। दैट्स व्हाई आई एम 110% एलिजिबल फॉर योर कंपनी सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? सर मुझे लगता है कि हमें इसकी ऑनेस्टी देख के इसे एक चांस देना चाहिए। शायद तुम सही हो। चलो ठीक है, हम आपको हायर करते हैं। 20,000 पगार मिलेगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये लो यहाँ पे साइन करो। अरे थैंक यू सर, किसी को तो मेरे ऑनेस्टी की कीमत समझी। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरी कंपनी है, यहाँ पे तुम्हें बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा। सर आप टेंशन मत लो, मेरे से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आपको कोई नहीं मिलेगा। वो कैसे? सर लास्ट टाइम मैं जिस कंपनी में काम करता था वो तो बंद हो गई, लेकिन वो कंपनी में काम करने वाले बोलते थे ये कंपनी जिन जिन कारणों की वजह से बंद हुई है उसके लिए मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल था। सो आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन सर, कल आता हूँ मैं काम पे। अरे सर क्या हुआ? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या बोलते हो, कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। अगर आप भी अच्छी जॉब चाहते हो तो अपग्रेड पे कोई भी ऑनलाइन कोर्स में स्पेशलाइजेशन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। हाँ तो मिस्टर अल पचिनो। अरे सर बिग फैन, क्या डायलॉग बोलते हो आप? यू डोंट हैव द गट्स टू बी व्हाट यू वांट टू बी। अच्छा तो यू डोंट हैव द गट्स टू बी व्हाट यू आर। क्या जुदागिरी चालू, समझ में नहीं आता।